Hello everyone, welcome back to Study IQ channel. Recently government and especially Karnataka government ने एक high end project चलाया है जिसमें कोलार लीफ नोज्ड बैट एक चमगादड़ स्पीशी है. ये नाम है इसका कोलार क्योंकि ये कोलार डिस्ट्रिक्ट में मिलता है. लीफ नोज्ड क्योंकि इसके जो कान हैं लीफ जो नोज है और जो इसके कान है वो ऐसा लगता है जैसे कोई पत्ती की शेप में हो, लीफ की शेप में हो. ये एक बेट स्पीशी है जिसके सिर्फ 150 इंडिविजुअल बचे हैं, सिर्फ 150 की पॉपुलेशन रही है और सिर्फ कोलार डिस्ट्रिक्ट में मिलती है और ये एक्सटिंक्ट होने वाली है. तो इसी स्पीशी को बचाने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कंजर्वेशन का प्लान स्टार्ट करा है. क्या है वो प्लान, उसके बारे में हम बात करेंगे. मेरा नाम संतोष है. अभी रिसेंटली आई हैव बीन आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस कि मैं क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग. तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट रहता है. एंड ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो मी, आई एम अपलोडिंग सो मेनी ऑफ दी ट्रैवल पिक्स ऑल्सो. तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_buddha पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं. इसके साथ ही इस वीडियो का PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा. नाउ न्यूज़ ये है कि जो कोलार लीफ नोज्ड बैट या फिर जिसे लीफलेटेड लीफ नोज्ड बैट भी बोलते हैं, ये चमगादड़ का एक स्पीशी है. ये कर्नाटका की सिर्फ कोलार डिस्ट्रिक्ट में मिलता है और कोलार डिस्ट्रिक्ट में भी सिर्फ दो ऐसी केव्स हैं वहाँ पे ये मिलता है. तो पहले ये दो केव्स में मिलता था, वहाँ से अभी एक केव में एक्सटिंक्ट हो गया है और अभी ये सिर्फ एक केव में मिलता है. ये जो बैट का स्पीशी है, चमगादड़ का जो ये पर्टिकुलर स्पीशी है, ये सिर्फ सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में मिलता है और उसमें जो केव्स होती हैं वहाँ पे इनको पाया जाता है. तो कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बैट कंजर्वेशन इंडिया ट्रस्ट के साथ में मिलके इस स्पीशी को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए वॉर फुट पे इनके कंजर्वेशन का प्लान स्टार्ट कर दिया है क्योंकि सिर्फ 150 कोलार लीफ नोज्ड बैट्स बचे हैं. तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऐसा दिखता है. देखो ये कोलार लीफ इसके जो नोज जो है ये ऐसा, एंड इसके जो ईयर्स हैं वो बहुत ही पर्टिकुलरली शेप्ड हैं. तो इन्हीं शेप के नंबर नाम शेप के बेसिस पे इसको जो है कोलार लीफ नोज्ड बैट नाम दिया गया है. ये इस तरीके का इसका नाम है. ये देखो इस तरीके का ये दिखता है. ये तो बहुत ही कम बचा है, सिर्फ 150 बचे हैं. तो उनको बचाने के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए अलग से इनको फंड भी करा गया है. जो ट्रस्ट है, हैबिटेंट ट्रस्ट है, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा फंडिंग करा है. तो ये इसका जो आप स्पीशी का देखोगे ना, तो 1996 से लेके 2020-21 तक का अगर आप देखोगे ना, तो ये इसका जो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड से एक्सटिंक्शन की तरफ, वनरेबल से क्रिटिकली एंडेंजर्ड से, ये इसका पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता जा रहा है. और हालांकि इसका कंटिन्यूशन पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन किसी भी इंडियन एक्ट के अंदर इसको प्रोटेक्ट नहीं करा गया है. बैट जो है, चमगादड़ की जो स्पीशी है, इसको इंडियन एक्ट्स के अंदर जनरली वर्मिन के अंडर माना जाता है. क्या है वर्मिन उसमें भी देखेंगे अभी. तो ये जो लीफ नोज बैट है ये क्यों थ्रेट में हो रहा है, देखो कोलार एक ऐसा एरिया है जहाँ पे माइनिंग बहुत होता है और वहाँ पे ग्रेनाइट का माइनिंग होता है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर. तो इस कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ग्रेनाइट माइनर्स हैं, उन माइनर्स ने इन जो ये लीफ नोस्ट बैट है, इस पर्टिकुलर बैट की स्पीशी को वहाँ पे केव से निकाल दिया है. वहाँ पे वो आग जला देते हैं, उनको भगा देते हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है. इस वजह से इनका जो नेचुरल हैबिटेंट है, उस नेचुरल हैबिटेंट को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है. इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्लाइन होकर 150 तक पहुँच गई है. इन बैट्स को, जैसे मैंने बताया कि इंडिया के किसी भी एक्ट के अंदर ये बैट कंसिडर नहीं होते हैं, प्रोटेक्टेड नहीं है, इनको एज ए वर्मिन कंसिडर करा जाता है. वर्मिन क्या होता है, देखो जैसे कि रोडेंट्स हो गए, हमारे चूहे हो गए, टर्माइट हो गया, जो दीमक हो गई, मॉस्किटो, कॉकरोच, रेट फॉक्स, इनको अगर आप मार देते हो तो आप पे किसी भी तरह का लॉ लागू नहीं होता है. लेकिन आप टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया या फिर किसी हॉर्नबिल हो गया, अगर आप इनको अगर नुकसान पहुंचाते हो, अगर इनकी किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की भी अगर आप उनको हंट करते हो तो आप पे लॉज लग जाते हैं. ठीक है,
लेकिन वर्मिन जो हैं ये जनरली ऐसे पेस्ट या एनिमल होते हैं जो जनरली या तो डिजीज़ फैलाते हैं या जो लाइव स्टॉक से उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इसलिए इनको वर्मिन माना जाता है, ख़तरनाक माना जाता है, इसलिए इनको मारने पे किसी भी तरीके की सज़ा नहीं मिलती है। तो जैसे निपा वायरस हो गया या COVID-19 हो गया, ये न्यूज़ था कि बैट की वजह से, चमगादड़ की वजह से ये दोनों के दोनों वायरस फैले हैं। इसकी वजह से काफ़ी बार इनको बहुत ही डेंजरस कंसिडर करा जाता है, इनको ये कंसिडर करा जाता है कि जो चमगादड़ है वो बहुत तरह की वायरल डिजीज़ लेके घूमता है, तो लोग कहीं आसपास इसको भटकने नहीं देते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इनको मार देते हैं, इनको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो लेकिन जो कोलार्ड लीफ नोज बैट है, इनका पॉपुलेशन बहुत कम है और बहुत छोटा दिखता है ये, तो अभी इनके बारे में इतनी जानकारी भी पता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ दो ही केव में पाया जाता है, तो हमको नहीं पता अभी कि कैसे इकोलॉजी में ये रहता है, क्या इसकी डाइट होगी, इसका कैसा बिहेवियर है, क्रॉपिंग पैटर्न जो चेंज हो रहा है एरिया में आसपास में, उस क्रॉपिंग पैटर्न का इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी नहीं है। इन जनरल इंडिया के अंदर 130 बैट के स्पेशीज़ हैं, और ये बात ध्यान रखना, बैट जो है ये मैमल के अंदर आता है, इट इज़ ए मैमल, बैट मैमल के अंडर आता है, लगभग 130 स्पीशीज़ है इंडिया में, और ये इनका नेचर बहुत अडेप्टेबल होता है। आप देखोगे कि जहाँ पे कोई सुनसान सी बिल्डिंग पड़ी है आपको वहाँ दिख जाएगा, किसी पेड़ के नीचे लटके हुए आपको दिख जाते हैं, तो काफ़ी अडेप्टेबल क्रिएचर होते हैं। और जनरली इनका जो हैबिटेशन होता है वो ह्यूमन हैबिटेशन के पास में होता है, जहाँ पे इंसान रहते हैं उसके आसपास में जहाँ पे भी इनको खंडर जैसी जगह दिखती है वहाँ पे ये रहते हैं, और इसी की वजह से ये काफ़ी वनरेबल भी हो जाते हैं। COVID-19 पेंडेमिक में हमको पता है कि हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि COVID-19 पेंडेमिक जो है ये किसी बैट से स्टार्ट हुआ था, तो ये इतना इसका वाइड स्प्रेड हुआ कि राजस्थान, वेस्टर्न घाट, उड़ीसा, ऐसे जगह पे जहाँ जहाँ पे उनको लोगों को बैट मिले, इतना डर लोगों में भर गया था कि उन्होंने उनको अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो चमगादड़ थे उनको मारना स्टार्ट कर दिया कि डिजीज़ कहीं उन पे ना फैल जाए। तो ये काफ़ी एक पूरी बहुत ही बैड इमेज रखते हैं पब्लिक में कि अरे ये तो डिजीज़ लेके आते हैं, इनको भगाओ, अपशकुन भी मानते हैं इनको कि चमगादड़ आपके घर में आने पे अपशकुन भी होता है, तो इस तरीके भी बातें होती है। लेकिन बात ये है कि बैट जो चमगादड़ है ये इकोलॉजी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमारी बी होती है, जो हमारी मधुमक्खी होती है, वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पॉलिनेशन के अंदर जो सीड्स होते हैं फ्लावर के उनको पॉलिनेट करती है, उनको जगह जगह पे स्प्रेड करती है। सिमिलरली उसी तरीके से बैट जो है ये भी पॉलिनेशन का वर्क करते हैं, एज ए पॉलिनेटर होते हैं। इनका जो मेन डाइट होता है आप देखोगे कि, और स्पेशली जो प्लांट नाइट को ब्लूम करते हैं, देखो प्लांट भी ऐसे होते हैं, जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दिन को ब्लूम करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नाइट को ब्लूम करते हैं, तो नाइट को जो ब्लूम, जो नाइट को आते हैं प्लांट्स, उनमें स्पेशली जो बैट, आपको पता होगा कि अल्ट्रासोनिक वेव्स पे जाते हैं ये नाइट में ट्रैवल करते हैं। नाइट में ट्रैवल करने का मतलब है कि ये नाइट में बाहर निकलते हैं, दिन को ये सब बोलते हैं कि सोते रहते हैं, रात को बाहर आते हैं। तो रात को जो प्लांट ब्लूम करते हैं उनके नेक्टर को अपनी डाइट बनाते हैं, और उनके जो सीड्स हैं उनको जब ये उड़ के जाते हैं तो अपने साथ में जगह जगह पर स्प्रेड कर देते हैं। तो ऐसे में बैट और मोथ दो ऐसे स्पीशीज़ हैं जो पॉलिनेशन करते हैं नाइट जो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई हो गया, बीज हो गया, ये सब दिन को अपना पॉलिनेशन करते हैं। इसके साथ में बैट जो है ये इंसेक्ट कंट्रोल का भी काम करते हैं, जो प्रोटेक्शन करती हैं क्रॉप के, जो हमारे इंसेक्टिसाइड होते हैं उसको कम स्प्रेड करना पड़ता है। तो हमारी पूरी इकोलॉजी को लिए, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि जिस तरीके से मधुमक्खी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैट इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरमेंट को सेव करने के लिए। तो ये जनरली जो एरिया है, मतलब अभी क्या हुआ है कि कर्नाटका गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन जो केव्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करा है, कि जहाँ पे इनको आइडेंटिफाई करा गया है कि किस केव में ये मिलेंगे, आसपास के ऐसा एरिया जहाँ पे बैट्स ने अपना घर बना के रखा है उन सारे एरियाज़ को कंजर्व करा जाएगा, और जो आसपास की कम्युनिटी है जिनसे इनको थ्रेट मिल रहा है उन कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा, ताकि वो समझे कि इन स्पीशी को, इस पर्टिकुलर चमगादड़ की स्पीशी को किस तरह का थ्रेट है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इकोसिस्टम के अंदर, और जो एनक्रोचर्स हैं उनके उनके अगेंस्ट इनको पूरा गार्ड करा जाएगा, इनको पूरा का पूरा कंजर्व करा जाएगा। तो ये एक हमारा छोटा सा आर्टिकल था
कि क्यों हमें कोलार बेट्स को जो है बहुत ही प्रोटेक्ट करने की, कंजर्व करने की ज़रूरत है. सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि हमको सी दिस इज़ वन स्पीशी ऑफ द बैट जिसके बारे में हमको पता चला है कि इनका इंडिविजुअल, इनका जो पॉपुलेशन है बहुत ही कम होता जा रहा है और अभी हमको इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है. सिमिलरली ऐसे बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जो धीरे धीरे एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो उनके कंजर्वेशन के लिए डिफरेंट प्लान चल रहे हैं. तो हर एक स्पीशी का एक नीच होता है, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क होता है, और अगर उस स्पीशी का जो पॉपुलेशन एनवायरनमेंट में से ख़त्म हो जाता है तो वो लिंक, जो एक चेन होता है, वो टूट जाता है और एनवायरनमेंट का इकोसिस्टम हमारा जो इम्बैलेंस हो जाता है. इसलिए इनका कंजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा. आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_buddha पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. एंड दिस इज़ इट हियर. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी हैप्पी. जय हिंद.